कंप्लेन आ गए, जो कहा गया वो मिला नहीं, तो हमने सख्ती से उन पर कार्रवाई की। तो जब हियरिंग के लिए आए अधिकारी उस कंपनी के, बोलते नहीं वो तो प्री रिकॉर्डेड है। यानी जनता को, कंज्यूमर्स को गुमराह करने की भी हद होती है। और फिर सख्ती से उन पर भी कार्रवाई की, क्वालिटी उसमें निकल गया कि नहीं, पेनल्टी भी 10 लाख रुपए जमा कराई। और आजकल मैं ऐड देखता नहीं हूँ टीवी पे, आप किसी ने आप कह रही है तो जरा मुझे बताना, अभी भी आ रहा हूँ तो जरा और सख्ती से देखिए। 600 केसेस है, 600 केसेस पे एक्शन लीजिए। और अगर आप लोग को भी किसी को सफर करना पड़ा तो कंज्यूमर्स को अवेयरनेस भी होनी चाहिए, और कंज्यूमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट डिमांड करने के लिए मेरी आप सबसे अनुरोध है। हमने फोकस करना चाहिए कि हमारे को कोई गलत चीज ना बिके, हमें अच्छी गुणवत्ता की चीज मिले। आपने शायद प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी सुना होगा और 15 अगस्त को भी उन्होंने कहा, इस देश की छवि क्या बनानी है। एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की छवि जब तक नहीं बने, हाई क्वालिटी सर्विस की छवि जब तक नहीं बने, तब तक हम देश को जिस तेज गति से बढ़ाना चाहते, जो हर एक युवा युवती का सपना है कि हमारा देश विश्व का सबसे ऊंचे नंबर 1 देश हो, नई ऊंचाइयों तक जाए, इट शुड बी अ ग्लोबल सुपर पावर मैन, इट इज पॉसिबल, पर सबका प्रयास है। यह अकेले BIS भी नहीं कर सकता है, और अगर BIS भी कोई गलत काम करे, कोई क्वालिटी सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी गलत काम करे, कोई नेशनल टेस्ट हाउस हो, FSSAI हो, BIS हो, कोई भी सर्टिफाइंग एजेंसी। एक नई चीज मेरे सामने आई कि एक लैब को 2 प्रोडक्ट्स के लिए सर्टिफाई करा लो और फिर लेटर पे लिख दो NABL एक्रेडिटेड लैब। कंज्यूमर गुमराह होता है कि NABL एक्रेडिटेड लैब है तो जरूर ये सर्टिफाई कर रही है तो गुणवत्ता अच्छी होगी। अब इन सब चीजों पे मैं आप सबका सामूहिक ध्यान इससे दिला रहा हूं कि मैं चाहता हूं सब डिमांड करें कि मुझे अच्छी सर्विस चाहिए, मुझे सही क्वालिटी चाहिए। और बच्चे आप लोगों को भी चौकन्ने होना पड़ेगा, गलत चीज पे आवाज उठानी पड़ेगी कि हमने 100 रुपए दिए क्या आपको अच्छी चीज क्वालिटी की चीज मिली कि नहीं।